जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बदला के बारे में। क्या आपका दुश्मन है, किसने आपको हानि पहुंचा दिया, किसी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, या फिर आपके खानदानी कोई दुश्मन है, उससे आप बदला कैसे लेंगे, उसको नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, उसको बर्बाद कैसे करेंगे, उसको तकलीफ आप कैसे देंगे। मैं इस पर पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा, बहुत कम समय में बनाऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहेंगे, आप स्किप इसे नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। मन में कोई सवाल पूछा आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, मैं उस टॉपिक को भी वीडियो बनाऊंगा। आपको बता दूं, देखिए बदला जो है हर इंसान के अंदर रहता है, हर इंसान के अंदर, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, बदले की भावना हर इंसान के अंदर रहता है। अब बदला किस किस चीज़ का हो सकता है, जैसे आपको किसी ने बेइज्जती किया है, या फिर आपके गांव में किसी से जमीन का आपका झगड़ा है, किसी प्रकार का केस चल रहा है, किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है, घर के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके रिश्तेदार कोई मजाक उड़ा रहे हैं, उससे बदला लेना है। तो इस तरह के बहुत सारे बदला है, इसके अलावा बहुत सारे और भी बदला होता है। बहुत सारे लोग तो अपने ससुराल के लोगों से बदला लेते हैं कि मेरी वाइफ ने ऐसे किया है, मेरी वाइफ को भड़का देती है, मेरी सास भड़का देती है, मेरे ससुर भड़का देते हैं, मेरे ये साला ऐसे है, तो उसके बदला की भावना भी चलते रहते हैं। मतलब बदला अलग अलग तरह का रहता है और सबका बदला लेने का एक ही तरीका है, सबका बदला लेने का एक ही तरीका है, उस तरीका का नाम है बदलाव। देखिए ये बदलने की भावना जो है इंसान को अंदर ही अंदर खुद ख़त्म कर देता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए। मैं आपको बता दूँ कि क्या शाहरुख खान का कोई दुश्मन नहीं है, क्या सलमान खान का कोई दुश्मन नहीं है, क्या श्री नरेंद्र मोदी का कोई दुश्मन नहीं है, क्या अमित शाह का कोई दुश्मन नहीं है, क्या अमिताभ बच्चन का कोई दुश्मन नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी बड़े लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, उसका भी दुश्मन होता है, लेकिन वो कभी उससे बदला लेने की नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि वो उस लेवल को पार कर चुके हैं, उस लेवल को। बदला हमेशा या तो मिडिल क्लास लोग लेने चाहते हैं, या फिर नीचे तबका के लोग लेना चाहते हैं, और उसी बदला के भावना में उसका सारी उम्र निकल जाता है। उसका उम्र सार आप 40 साल से 50 साल, 50 साल से 60 साल करते करते वो कब्र में चले जाते हैं, शमशान में चले जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसका भावना अंदर में ही चला, दोनों बर्बाद हो जाते हैं, जिससे ये बदला लेना चाहता है वो भी और खुद भी, मतलब दोनों बर्बाद रहते हैं, दोनों उसी चक्कर में। अक्सर आप गांव में देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, मैं बनाता था, अभी बना रहा हूँ कानून से रिलेटेड। तो उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए, मतलब कि आपको बता दूँ 2 फुट 3 फुट ज़मीन के लिए अपने चाचा से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदार से, अपने गाँव के लोग से 10-10 साल 20-20 साल कोर्ट कचहरी में केस लड़ते हैं, बाद में रिजल्ट कुछ नहीं होता, या तो समझौता होता है, या फिर आप जीत हार भी जाते हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होता है, मूंछ की लड़ाई आप लड़ते हैं, 10 लाख खर्च करके अगर 2 लाख का जमीन 2 फुट आप जीत भी लेते हैं तो कौन सा तीर मारते हैं 20 सालों में। आप अगर अपने भाई से 2 फुट जमीन के लिए 10 साल केस लड़ते हैं और बाद में जाके कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो क्यों ऐसा किया, ये करना ही नहीं था, उसी समय दे देना था, भाई ही तो था। तो आपको बता दूं कि ये बदले की जो भावना है, ये तो केस रिलेटेड बताओ, इसके अलावा भी कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसका बदला बदलाव से दीजिए, आप सक्सेस होकर दीजिए। जैसे कि अब शाहरुख खान है, एक समय रहा होगा जब 20 साल का रहा होगा, वो 22 साल का रहा होगा, 25 साल का रहा होगा, श्री नरेंद्र मोदी की भी बात कर रहा हूँ, वो भी जब रहे होंगे 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, उनके भी बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, उनके भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, उनके भी घर में बहुत सारे लोग होंगे, उनके भी बहुत सारे उस समय जलने वाले और दुश्मन रहे होंगे, लेकिन इनका काम था सिर्फ अपने काम पर फोकस करना। ये काम पर फोकस करते गए, आज इस लेवल को मुक पा लिए हो, उस लेवल को, जिस लेवल को तो बहुत कम लोग सोचते हैं, उस लेवल को वो पा लिए हैं कि उनसे जो जलने वाला था, उनका जो दुश्मन था, जो इनका कुछ हड़पना चाहता था, कुछ लेना चाहता था, इनको नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसकी पहुंच वहां तक हो ही नहीं सकती है। और न कभी सोच सकता है अब कि उस व्यक्ति के साथ मैं बैठ के एक कप चाय भी पी सकूं, या फिर 2 शब्द बात भी कर सकूं, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और उसके लिए भी ये लोग ये कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं। तो दोस्तों अब बदला कभी किसी से मत लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक व्यक्ति गांव में रहता था, उसके खानदान में पुराने, मतलब 3-4 पीढ़ी से जमीन की लड़ाई, ऐसे ही बेवजह की लड़ाई, किसी चीज़ की लड़ाई हमेशा होता ही रहता था। ये 4th पीढ़ी था, इसको लगा कि मुझे भी अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके पिताजी, उसके दादाजी वो लड़ते हुए सबको देखे, हमेशा केस मुकदमा, गाली गलौज, मारपीट, एक दूसरे को नीचा दिखाना अपने पड़ोसी या खानदान से, ऐसा होता रहता था, जो उसका दुश्मन 2-3 गाँव में थे, हमेशा लड़ता रहता। लेकिन इसको क्या है, ये जब इसका जो पीढ़ी आया, जब ये 22-23-25 वर्ष के हुआ, तो ये सोचा कि नहीं,
मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे इस लड़ाई को ख़त्म करना है। मैं जब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि 2-3 पीढ़ी से लड़ाई हो रही है, मुझे इस लड़ाई को ख़त्म करना है। और ख़त्म करने का ये जरिया है कि मैं कुछ नया करूँ। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो वो लड़ाई होती रहेगी। वो व्यक्ति क्या किया कि वो अपने गांव छोड़ दिया, अपने शहर छोड़ दिया, और उसके अंदर जो टैलेंट था वो काम की तलाश में बाहर निकल गया एजुकेशन करके, और वहाँ पे काम करते करते 2 साल 5 साल 6 साल 7 साल में इतना सक्सेस कर गया, सही बताऊँ बिजनेस करके इतना सक्सेस कर गया कि जब वो गाँव जब लौटा तो गाँव में उसके बराबरी में, उसके लेवल में कोई था ही नहीं। अब जो व्यक्ति 10,000 15,000 20,000 5,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति, गांव में ज़्यादातर लोग होते हैं मजदूर टाइप का होते हैं, लेबर क्लास के आदमी रहते हैं, जो अमीर से अमीर भी होता है, जो 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाता है वो भी बहुत अमीर माना जाता है, ये व्यक्ति ऐसे लेवल पर चला गया कि 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये महीना 20-20 लाख रुपये महीना के कमाने लगा। जब वो गाँव लौटा तो उसके लेवल में उसे कोई नज़र ही नहीं आया। उसके जो दुश्मन भी थे, जब ये कार से गया वहाँ पे लग्जरी मेंटेन करके गया सारा, तो वो आदमी देखते ही रह गया। उस आदमी की हिम्मत ही नहीं हुई कि अब इससे दुश्मनी किया जा सकता है। उसको देखते ही बोला, भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसे हैं, अब तो आप बड़े आदमी हो गए। तो वो व्यक्ति ने बोला कि ये आपकी देन है, आप लोग अगर इस तरह से नहीं करते रहते तो मुझे यहाँ से जाना नहीं पड़ता, मैं भी शांति से यहाँ रहता, और अगर नहीं जाता तो मैं भी इतना सक्सेस नहीं होता, इतना तरक्की नहीं होता। हर इंसान को सक्सेस करने के लिए अपनी जगह छोड़ना पड़ता है, अपनी दुश्मनी को भूलना पड़ता है, अपने बदलों को मन से निकालना पड़ता है, चाहे कितना भी गंभीर बदले की भावना क्यों ना हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के रहने वाला है, शाहरुख खान दिल्ली के रहने वाला है, नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, अडानी गुजरात के रहने वाले हैं, अंबानी गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई भी लोग अपने जगह पे नहीं रहते, अपने जन्म स्थान पे नहीं रहते, अपने घर पे नहीं रहते हैं। क्योंकि जब तक आप वहाँ से बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक आप सक्सेस करेंगे नहीं, और आपका बदला पूरा है। बदला यही है कि अब जो उसके दुश्मन है, जो सक्सेस कर जाते हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं, जब आप सक्सेस कर जाएंगे, एक लेवल पर चले जाएंगे, उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना आगे निकल जाएंगे, तो आपका बदला वहीं पे पूरा हो जाता है। वो व्यक्ति हार मान जाएगा वहीं पे कि मैंने ऐसा नहीं किया होता, या फिर मैंने उसका नुकसान नहीं पहुंचाया होता, तो हो सकता है वो बड़ा आदमी नहीं बनता। उसका जलन, हसद, आपसे बदला लेने की सारा चीज़ खत्म हो जाता है, दुश्मनी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आपके लेवल का रहता ही नहीं। तो बदला लेने का एक ही जरिया है, बदलाव, अपने आप में बदलाव कीजिए, आप बदल जाइए, उस चीज़ों को भुला दीजिए, उस जगह को छोड़ दीजिए। आप या फिर उस जगह पर रह भी रहे हैं तो आप ऐसा काम करिए कि इतना सफल हो जाइए कि वो व्यक्ति आपका लेवल का रहे ही नहीं, वो दुश्मनी करने लायक रहे ही नहीं। आप जब चाहे उसे मसल दे, जब चाहे उसे बर्बाद कर दे, जब चाहे उसे ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा उसे करना नहीं है। आप ऐसे लेवल पर चले जाए कि उस व्यक्ति को ये लगे कि अब इससे लड़ना ठीक नहीं है। और ये जो सक्सेस आप होंगे ये अपने लिए होइए, सिर्फ उसको दिखाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, अपने लिए सक्सेस आपको होना है, ताकि आपकी कोई दुश्मन ना रहे। इस तरह का दुश्मनी भी करते हैं बड़े लोग, अपने लेवल में करते हैं और एक हद तक करते हैं, फिर दोस्ती करते हैं, लेकिन छोटे लोगों का जो दुश्मनी होता है वो पीढ़ी बाई पीढ़ी, जन्मों बाई जन्म चलते रहता है, उसकी कई पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। लेकिन बड़े लोग के जो दुश्मनी होती है वो कुछ क्षण कुछ पल के होती है। जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिशियन को, देखो कभी इसके साथ सरकार बनाते हैं, उसको गाली बकते रहते हैं उस पार्टी को, लेकिन जब सिचुएशन ऐसा होता है तो फिर दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं, कभी उसके साथ गठबंधन, कभी उसके साथ गठबंधन। उस पार्टी में कोई MP जीत के इस पार्टी में चला आता है, इस पार्टी में कोई विधायक जीत के उस पार्टी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो वैचारिक जो मतभेद होता है, वैचारिक दुश्मनी है, जिंदगी का यही रीत है, वैचारिक दुश्मनी होना चाहिए, विचार से दुश्मनी होना चाहिए। हमारा आपका बात नहीं मिल रहा है, हो सकता है दुश्मनी हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के जान मारने के लिए तुल जाए, आपसे बदला लेने के लिए तुल जाए, ये वैचारिक मतभेद है। हो सकता है बाद में हम दोनों का विचार मिल जाए, फिर हम दोनों एक हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के अच्छे लगने लगे, हो सकता। इस बात को आप समझे होंगे, मैं जो बताना चाह रहा था आपने इस बात को समझा होगा, आप समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है इस तरह के सिचुएशन से जो फेस कर रहे हैं, इस तरह के सिचुएशन जो झेल रहे हैं, वो आप बहुत कुछ करेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे और बदला लेने का नहीं सोचेंगे, अपने आप में बदलाव करने की सोचेंगे। दोस्तों इसी तरह के कोई नए वीडियो चाहिए, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।